विकास। दरअसल विकास शब्द जो है वो परिवर्तन का द्योतक है, वह परिवर्तन जो हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व्यवहारों में हो जाता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। इसमें सारी चीजें आएंगी, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। यह परिवर्तन जो होता है, यह परिवर्तन जो है हमारा विकास का सूचक होता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी हमने आपको वृद्धि में बताया कि वृद्धि की एज लिमिट होती है, ये मान लीजिए 18 साल उम्र हम लोग मानते हैं कि इस अवस्था में आकर के जो है कि वो हमारा वृद्धि पूरा हो जाता है। लेकिन विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। कहने का मतलब ये है कि गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक जो हमारी जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, वो जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अप्रत्यक्ष होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते। अब बस ये है, अगर हम लोग इसको देख नहीं सकते तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि इसको मापने में भी दिक्कत आएगी। इसका मापन पहली बात तो कठिन होता है, फिर भी अगर हम लोग नहीं मानते हैं मापन करना ही हो तो हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से इसका मापन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विकास जो होता है वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। गुणात्मक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जैसे व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, उभयमुखी हैं। या फिर मात्रात्मक की अगर हम लोग बात करें तो बुद्धि परीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि आपकी आयु का लेवल कितना है, 115 है, 118 है, 110 है, 70 है, 75 है, तो ये आपका मात्रात्मक है। लेकिन आपने ये ध्यान दीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम आपको लगाएं और आप बता दें कि आपकी आयु इतना है, आपका वो व्यक्तित्व आपका इस तरीके से है। ये हम इनडायरेक्ट इसका मेजर करते हैं। और बस ये है, इसको इसका मापन थोड़ा कठिन होता है, इसके लिए हम लोग टूल्स बनाते हैं और परीक्षण करते हैं, तब जा करके हम लोग विकास का मापन करते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। मूलभूत जो अंतरों की हम लोग अगर बात करें तो वृद्धि और विकास में जो अंतर होता है वो वृद्धि और विकास, अगर हम लोग अंतर की बात करें तो सबसे पहले यह है कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वृद्धि का एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित समय होता है, जबकि विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भकाल से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। और वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि विकास को हम लोग मापा नहीं जा सकता, इसको हम लोग इनडायरेक्ट नापते हैं, तो इसको मापा नहीं जा सकता या मापना कठिन होता है। देखिए, मापना कठिन इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास आज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हो सकता है आने वाले 10 साल, 5 साल बाद, 3 साल बाद हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि हम लोग लगाएं और चेक करके IQ बता दें, चेक करके व्यक्तित्व बता दें, चेक करके सामाजिक स्थिति का वर्णन कर दें, तो ये प्रक्रिया जो होती है इसलिए हम ये कहते हैं कि मापना कठिन है। आज तो मापा नहीं जा सकता, डायरेक्ट हम लोग इसका मेजर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी एक निश्चित गति होती है और इसकी सीमा भी निश्चित होती है। विकास में ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो इसकी निश्चित गति होती है, ना इसका जो है इसकी कोई सीमा होती है। ये जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से इन्वायरमेंट मिलता गया, उस तरीके से विकास होता गया, विकास होता गया। अगर हम लोग बाल विकास के इस सिद्धांतों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये देखेंगे बाल विकास के अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें
तो आप ये जान लीजिए कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन जो होता है वो किसी निश्चित नियम के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये फॉलो करता है उसी नियम के तहत होगा, मतलब ये नहीं है कि अगर बालक है, अगर मनुष्य का बच्चा है तो उसका विकास अगर हम लोग इन्वायरमेंट दे करके तो किसी जानवर की तरह कर दें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नियम होता है, उसी पर्टिकुलर नियम के तहत जो है वो उसका विकास होता है। तो अगर हम लोग इसकी अगर बात करें तो अगर इसकी अगर सबसे पहली वो पहला पॉइंट इसका है विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस पॉइंट को ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि अमूमन जो होता है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपने अगर देखा होगा ये पूछा जाता है कि विकास का विकास किस दिशा में होता है, सिर से पैर दे देगा विकल्प, पैर से सिर दे देगा, सिर से बाहर दे देगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इस तरीके के विकल्प दे करके ये पूछता है कि मानव का विकास किस तरीके से होता है। तो आप ये जान लीजिए कि एक मानव शिशु का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, जिसको हम लोग सिरोमुखी सिरोमुखी, मस्तिष्कोमुखी या सिर पुच्छी दिशा कहते हैं। सिर पुच्छी का मतलब होता है सिर से पूंछ की तरफ, पूंछ चूंकि थी तो वो गायब हो गई, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि सिर से जो होता है वो पैर की तरफ होता है। सिर पुच्छी दिशा, सिर पुच्छी दिशा। एक बात और ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये विकास का ये जो दिशा का सिद्धांत है ये कभी विकास लंबवत नहीं होता, इस तरीके से विकास नहीं होता या इस तरीके से विकास नहीं होता। सिर से पैर की तरफ होता है, पैर से जो है, और अगर हम लोग बात करें ना, पूछता है कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है कि केंद्र के अंदर की तरफ होता है, तो विकास जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर होता है, लेकिन कभी ये लंबवत नहीं होगा। इसकी जो गति होती है, कहा जाता है कि इसकी जो गति है वो वर्तुलाकार होती है, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब ये कुछ इस तरीके से यहां आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, स्थिर करता है, अस्थाई होता है, वापस आता है, थोड़ा सा स्थिर होता है, मजबूती आती है। इसीलिए विकास की जब हम लोग बात आगे करेंगे तो आपको ये पता होगा कि विकास का ये जो क्रम होता है, कभी ये तेज होगा, कभी स्लो होगा, फिर कभी तेज हो जाएगा, ये निरंतर चलता रहता है जीवन पर्यंत। आपने अगर ध्यान दिया होगा शैशवावस्था में जितने विकास होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, चाहे जितने विकास हो, वो बहुत तेजी की अवस्था में होते हैं। बाल्यावस्था में ये विकास थोड़ा सा मंद होता है, किशोरावस्था में जा करके ये पुनः तेज हो जाता है। ये तेज गति और मंद गति की प्रक्रिया जो है ये अनवरत चलती रहती है, जब तक कि व्यक्ति जो है यहाँ से आया जब तक चला ना जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत ये पूछेगा आपसे कि सिरोमुखी होता है, मस्तिष्कोमुखी होता है, सिरपुच्छी, कोई विकल्प एक देकर के पूछ सकता है। कभी कभी ये केंद्र से अंदर या केंद्र से बाहर की तरफ बात करता है, जिसे यहाँ धड़ से अगर हम लोग बात करें तो पहले बच्चा जो है धड़ पे नियंत्रण करता है, धड़ से भुजा पूर्व अपने हाथ पे नियंत्रण करता है, बाद में वो अपनी कोहनी मोड़ता है, फिर धीरे धीरे वो कलाई का यूज करता है, लास्ट में जा करके वो अपने उंगलियों का यूज करना शुरू करता है। तो ये जो होता है ये केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि विकास जो है किस दिशा में होगा, तो ये दिशा आपका वर्तुलाकार होगी, और वर्तुलाकार होने का पीछे यही कारण है कि ये जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा वहाँ रुकता है मजबूती प्रदान करने के लिए, और इसी तरीके से आपका जो है ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो आपका है वो निरंतरता विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। अभी हमने आपको बताया कि विकास की जो गति होती है वो निरंतर होती रहती है, कभी थमती नहीं।
वृद्धि रुक जाती है। आपने अगर हमने बताया कि वृद्धि जो होती है वो उसमें ठहराव होता है, 18 साल किसी का, 16 साल किसी का, 19 साल तक किसी का, 20 साल तक, कहीं ना कहीं जाकर के वृद्धि आपका रुक जाता है। लेकिन विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है। कहने का मतलब बस इतना है कि यह विकास जो निरंतर होता रहता है, कभी ये तेज होगा, कभी ये मंद होगा, कभी फिर तेज होगा, कभी मंद होगा, इसी प्रक्रिया से ये चलता रहता है। तीसरा सिद्धांत आपका है, ये है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, देखिए यह सिद्धांत यह बताता है कि आपका अगर एक किसी एक दिशा में अगर आपका विकास हो रहा है तो वह विकास जो है आपके दूसरे दिशा के विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे अगर इसको अगर हम लोग एज एग्जाम्पल देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो होता है, अगर आपका मानसिक विकास बहुत बेहतर है तो ये मान के चलिए कि लगभग कंडीशन में ये होगा कि आपका शारीरिक और सामाजिक विकास भी उत्तम होगा। अगर आपका मानसिक विकास कहीं बाधित होता है तो ये आपके शारीरिक विकास को बाधित करेगा, सामाजिक विकास को बाधित करेगा, संविवात्मक विकास को बाधित करेगा। कहने का मतलब है कि हमारा एक विकास जो है दूसरे विकास को पूरी तरीके से डिपेंड रहता है। अगर यहाँ कोई अगर अच्छा परिवर्तन होता है तो दूसरे में अच्छा परिवर्तन होगा, अगर यहाँ कोई नकारात्मक परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह आपका है पॉइंट फोर। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि हमारा हर बच्चा यूनिक होता है। एक बच्चे का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये दूसरे बच्चे से मैच नहीं करता। इवन अगर कोई जुड़वा बच्चा भी है तो उसमें इस तरीके से परिवर्तन होते हैं कि वो दूसरे वाले को फॉलो नहीं करता। अगर ये एक बच्चे जुड़वा बच्चा है, अगर वो इसकी हाइट अगर 4 फीट 4 इंच है तो दूसरे का भी हम अंदाज़ा लगा करके ये नहीं बता सकते कि 4 फीट, हो सकता है वो 5 फीट 5 इंच का हो, 5 फीट 7 इंच का हो। उसका अगर दूसरा वाला बच्चा अगर वो बहिर्मुखी है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो दूसरा वाला अंतर्मुखी होगा या बहिर्मुखी होगा। कहने का मतलब होता है कि हर बच्चा हमारे लिए यूनिक होता है। अगला सिद्धांत है वो आपका है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, यह सिद्धांत यह बताता है कि पहले सामान्य विकास होगा, उसके बाद विशिष्ट विकास होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा सबसे पहले अपने पूरे संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण करता है, फिर वो अपने हाथ पे नियंत्रण करेगा, अपनी उंगलियों पे नियंत्रण करेगा, अपने पैर पे अगर नियंत्रण कर रहा है तो पैर पे करेगा, फिर घुटने पे आएगा और उसके बाद फिर अपने पंजे की उंगलियों पे करेगा। और एक मज़ेदार बात आपको बताएं कि अगर आपके घर में 2 साल से कम एज का बच्चा है तो आप ज़रा चेक करिएगा, उसके वो जो पैर है उसमें वो उसके घुटने में कटोरी नहीं होगी, वो जो होता है ना बाउल टाइप का, वो 2 साल से कम का अगर बच्चा है तो वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये विकास की प्रक्रिया शुरू होगी तो सामान्य से विशिष्ट होगी। पूरे शरीर पे नियंत्रण करेगा, हाथ पे नियंत्रण करेगा, कोहनी पे नियंत्रण करेगा, पंजे पे नियंत्रण करेगा, उंगलियों पे नियंत्रण करेगा, ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। अगला पॉइंट ये है कि विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, विभिन्न गति का सिद्धांत। देखिए जब एक बालक जन्म लेता है तो उसके सारे अंग एक विशेष अनुपात में होते हैं, लेकिन उनमें विकास जो है वो भी विशेष तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। आप इसको ऐसे सोच करके देखें कि जिस समय एक बच्चा जन्म लेता है, छोटे से उसके हाथ रहते हैं, छोटा से ही उसका कान रहता है। अगर ये इसी अनुपात में, जिस अनुपात में हाथ बढ़ता है, अगर उसी अनुपात में कान भी बढ़े तो क्या होगा, गर्मी लगेगी ही नहीं, हम लोग अपने इसी से पंखा कर लिया करेंगे। तो ये जो होता है एक विशेष अनुपात में होता है और इसका एक डिसाइड होता है कि कितने समय में ये पूरा हो जाएगा। जैसे हाथ पैर का विकास होता है वो किशोरावस्था में लगभग पूरा हो जाता है,
मानसिक विकास की बात करें, आपने एक ऐड देखा होगा टीवी पर आता है, उसमें बताता है ना कि इसको ये इंस्ट्रूमेंट दीजिए नहीं तो बच्चा वो 5 साल में इसका 90% विकास हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का अधिकतम तौल या अधिकतम विकास जो है वो 6 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। और क्रॉस जेंडर अट्रैक्शन, हम लोग अगर विषम लिंगी आकर्षण की बात करें, तो ये अमूमन किशोरावस्था से शुरू होता है। उसके बाद अगला आता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह समान प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है कि हर प्रजाति का विकास उसी प्रजाति के विकास के सिद्धांत के अनुरूप होगा। एक मनुष्य के बच्चे का विकास मनुष्य के बच्चे की तरह, हाथी के बच्चे का विकास हाथी के बच्चे की तरह, या कुत्ते के बच्चे का विकास कुत्ते के बच्चे की तरह। आप देखिए कि मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो 8-9 महीने में वो चलना शुरू करता है। आप जानवरों के बच्चों को देख लीजिए, पैदा हुए चलना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ चलना शुरू कर, हालत ख़राब हो जाएगी कि ये क्या हो गया। अगला है परिमार्जिता का सिद्धांत, जो कि शैक्षिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। परिमार्जिता का सिद्धांत, यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रशिक्षण और शिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा किसी भी व्यक्ति के विकास में हम लोग वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। उसको हम लोग तेज कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं, उसका मार्गांतरीकरण कर सकते हैं। शैक्षिक रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम उसके वो विकास की जो गतियाँ होती हैं उसको निर्धारित करते हैं। किसी को तेज किया जाता है, किसी को डोमिनेट किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। अगला पॉइंट है कि अगर हम विकास के सिद्धांत को जानते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके लिए भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम विकास को देख करके, जैसे कि अगर हम लोग कलाई का एक्स किरणों के द्वारा अगर एक्सरे करा लें, तो इसके द्वारा हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो विकास होगा इसके हड्डियों की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये अमूमन हम लोग इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। या फिर वर्तमान मानसिक योग्यता को देख करके हम उसके प्रतिभाशाली होने का, या फिर जो है वो औसत बुद्धि होने का या मंद बुद्धि होने का भी हम लोग इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सिद्धांत बताता है कि विकास जो होता है वो पर्यावरण और अनुवांशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास एवं पर्यावरण व अनुवांशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया का परिणाम, कहने का मतलब यह है कि विकास को हम लोग ना तो सिर्फ वातावरण से निर्धारित कर सकते हैं और ना ही अनुवांशिकता के बल पर ही हम किसी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। आप अगर इसको अगर ध्यान से देखें तो ये अगर आपका वातावरण है या पर्यावरण इसको अगर हम कहें, और ये आपका अनुवांशिकता, यही आपके मनुष्य के व्यवहार या बालक मानव के व्यवहार का व्यवहार विकास का निर्धारण करता है। हम लोग सिर्फ वातावरण देकर के किसी भी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते, हम लोग अनुवांशिकता के दम पर ही अगर जो है वो पूरी तरीके से अनुवांशिकता के दम पर अगर हम लोग ये चाहें कि इसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो जाएगा, उसको अगर हम ऐसे छोड़ दें, ऐसी स्थिति में भी जो होता है वो उसका संपूर्ण विकास नहीं होता है। कहने का मतलब ये है अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो अनुवांशिकता जो होती है वो
व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक होगा या विकास कहाँ तक होगा उसकी सीमा का निर्धारण करती है, और पर्यावरण जो होता है उस सीमा के अंदर वो समस्त संभावना से तलाशता है जो उसके जो है उसके अधिकतम या उच्चतम उसके संयोग तक पहुँचा सके। आपने शायद पढ़ा होगा या कहीं एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि पीपल का दो दो छोटा छोटा बीज है, तो पीपल का बीज वो उस नन्हे से बीज में उस पूरे पीपल के पेड़ की संरचना विद्यमान होती है। वातावरण ये काम करता है, पर्यावरण की अगर हम लोग बात करें, वातावरण की बात करें, तो वातावरण ये काम करता है कि अगर वही पीपल का बीज किसी खाद पानी वाले अच्छे मिट्टी वाले स्थान पे पड़ गया तो काफ़ी लंबा पेड़ हो जाएगा, लेकिन अगर वही पीपल का पेड़ किसी दीवार पर या कहीं ऐसी जगह उग जाए जहाँ मतलब उसको समुचित खाद पानी प्रकाश ना मिले तो उसका विकास नहीं होगा। होगा तो वो पीपल का पेड़ ही, लेकिन उसका संपूर्ण विकास जो है वो नहीं हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें वृद्धि और विकास को, वो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये इसलिए जानना आवश्यक हो जाता है कि अगर जब हम इन कारकों को जानेंगे तो हम इन कारकों पर भी थोड़ा बहुत नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, जिससे उसका समुचित या वांछित विकास उस दिशा में हो सके जिस दिशा में हम चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कारक है प्रभावित करने वाले कारकों में, सबसे पहला कारक अगर है वो है वंशानुक्रम। इस वंशानुक्रम पर हमारा कोई विशेष वो जो है पकड़ नहीं होता, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, वंशानुक्रम है। अगर बच्चे के मान लीजिए पिताजी छोटे हैं माताजी छोटी हैं, स्वाभाविक सी बात है बच्चा भी छोटा होगा, तो ये उसकी हाइट पे हम लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके बाकी एलिमेंट है वहाँ काम हो जाएगा। तो वंशानुक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो वाटसन ने जो कहा था कि बच्चा दे दीजिए हम इन्वायरमेंट में हम जो चाहेंगे उसको बना देंगे, चोर बना देंगे, पुलिस बना देंगे, हालांकि बाद में जाकर के उन्होंने माना कि ये वंशानुक्रम जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित करता है और इसमें जो है ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका भोजन, पौष्टिक भोजन। ये वृद्धि और विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका वो मानसिक विकास अच्छा होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा। वो अरस्तु ने कहा था ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये जो विकास होगा वो अस्वस्थ होगा। अगर बच्चा जो है अगर शुरुआत में ही उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिला, भरपेट भोजन नहीं मिला, तो इसके लिए हालांकि सरकार काम कर रही है, मिड डे मील दे रही है, लेकिन इसमें ये दिक्कत आती है कि पता ही नहीं चल रहा है कि भरपेट भोजन दिया जा रहा है, पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, चल रहा है उनका अपना। अगला पॉइंट है आपका लिंग भेद, जेंडर। लिंग भेद जो होता है, आपको पता होगा कि लड़कियों का विकास जो है वो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा तेजी से होता है, खास करके उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास। परिपक्वता भी लड़कियों में जल्दी आती है, लड़कों में थोड़ा देर से आती है। हम लोग जब अवस्था पढ़ेंगे, अवस्था में हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि 2-3 साल का अंतर हो जाता है, उनके भाषा विकास में हो जाता है, उनके शारीरिक विकास में हो जाता है, उनके मानसिक विकास में हो जाता है। लड़के 2-3 साल पीछे चलते हैं, लेकिन बाद की प्रौढ़ावस्था में आने के बाद ये दूरी खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रह जाता है। अगला पॉइंट है आपका बुद्धि। देखिए बुद्धि की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर कुशाग्र बुद्धि है, तेज बुद्धि है, बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसका शारीरिक विकास भी ठीक होगा, मानसिक विकास भी ठीक होगा, संवेगात्मक विकास भी स्थिर होगा उसका, उसके बाद तो सामाजिक विकास भी उसका अच्छा होगा। लेकिन अगर मंद बुद्धि है या कम बुद्धि का है तो दिक्कत ये आएगी कि वो कौन सा व्यवहार करना चाहिए कहाँ यही नहीं पता पाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, बहुत करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण करते हैं कहाँ कौन सा व्यवहार करना चाहिए बताया जाएगा, लेकिन दिक्कत यही आएगी कि हम बता तो देंगे उसको कि ये व्यवहार करना है, लेकिन ये होता ना कि सारी चीज़ें ज़िंदगी में स्क्रिप्टेड नहीं होती, कि लिखी हुई नहीं होती कि यहाँ जा करके यही व्यवहार करना है, चीज़ें हैं परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड होती रहती है। अगला पॉइंट है वो पारिवारिक परिस्थितियाँ। पारिवारिक परिस्थिति, अगर घर में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है, खुशहाल है, झगड़ा नहीं हो रहा है, तो बच्चे का मानसिक विकास है वो अच्छा होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास उसका उत्तम होगा। लेकिन अगर घर में कलह का वातावरण है,
तो बच्चे का वो जो है कोई भी विकास, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, वो कहीं ना कहीं बाधित होना शुरू हो जाएगा। किसी ने कहा कि एक युद्ध माँ बाप के झगड़े का वही बच्चे पे प्रभाव पड़ता है जो युद्ध में जो है एक सैनिक पे पड़ता है। तो इतना बुरा मानसिक प्रभाव लेकर के बच्चे का जो है हम लोग संपूर्ण विकास नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है रोग या चोट, ये भी आपके वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है। रोग या चोट, अगर आपको वो बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में कोई बीमारी हो गई, तगड़ी बीमारी हो गई, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई अगर आपकी, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो है व्यवहार बाधित होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपका विकास है, वृद्धि है, ये रुकना शुरू हो जाएगी या उस उच्चतम लेवल पर नहीं पहुँच पाएगी जिसके आप योग्य। अगला पॉइंट जो है आपका वो संस्कृति है। संस्कृति भी आपके वो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। आपने अगर देखा होगा पहले बहुत कहावत चलती थी ना, पढ़ेंगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो परिस्थिति दूसरी थी, वो उनकी संस्कृति थी। आज जो है वो कंसेप्ट ही पूरा चेंज हो गया है। तो ये जो संस्कृति होती है, और अगर आप इसको जा कर के देखें कि कहीं कहीं कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं कि वो जो है आपके वृद्धि विकास को बचपन से ही जो है वो प्रभावित करना शुरू कर देते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये इस दिशा में नहीं जाना है, इतनी दूर नहीं जाना है, नदी नहीं क्रॉस करनी है, समुंदर नहीं क्रॉस करना है। दुनिया भर की भी दिक्कत आती है आपके वृद्धि और विकास में। अब बाकी जो है अगले पॉइंट में अगर हम लोगों की मुलाकात होती है तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि विकास की अवस्थाएँ। धन्यवाद।